प्रथम तहलका न्यूज। रोहतक के खरावड़ में शनिवार सुबह खेत में पड़े पॉलिथीन में विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में ग्रामीण घायल हो गया, उसे इलाज के लिए PGIMS में दाखिल कराया गया है। तो वहीं SP राहुल शर्मा भी घटना स्थल पर पहुंचे और तमाम जानकारी हासिल की। स्वतंत्रता दिवस से 15 दिन पहले विस्फोट होने की घटना से दहशत का माहौल है। खरावड़ निवासी 55 वर्षीय राजकुमार बिजली मिस्त्री है। सुबह करीब 6 बजे वो खेत में घूमने के लिए गया था। इस दौरान रास्ते में एक पॉलिथीन पड़ा हुआ था। राजकुमार ने साइड में करने के लिए जैसे ही पॉलिथीन उठाया तो उसमें विस्फोट हो गया। इस विस्फोट से राजकुमार के चेहरे और हाथ पर गंभीर चोटें आई। उसे तुरंत इलाज के लिए PGIMS में ले जाया गया है। सूचना मिलने पर IMT पुलिस स्टेशन की टीम भी मौके पर पहुंची। SFL टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया। पुलिस टीम ने चश्मदीदों के बयान दर्ज कर लिए हैं। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया कि विस्फोट किस वजह से हुआ है, लेकिन जांच के लिए बाहर से विशेष टीम भी बुलाई गई है। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट। मैं आज सुबह इन्फॉर्मेशन आई थी कि खरावड़ गांव के खेतों में कुछ लोग जो सुबह सैर करने के लिए और खेत में गए हुए थे, वहां पर उन्होंने कोई प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट देखा। एक व्यक्ति ने उसको लिफ्ट करने की कोशिश करी और वहां पर एक एक्सप्लोजन हुआ, जिसमें उस व्यक्ति के मुँह पे हाथ पे काफ़ी चोटें आई हैं। वो अभी PGI रोहतक में अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अभी उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। उसके बाद से हमारी टीम्स यहाँ पर, सीन ऑफ क्राइम टीम्स, हमारी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड टीम्स और बाकी क्राइम की टीम्स सभी यहाँ पर पहुँची हैं। मौके का हमने निरीक्षण किया है। प्राइमा फेसा यही लग रहा है कि ये लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन हुआ है। उसमें क्या प्रोडक्ट यूज़ हुई है या क्या किसने किया है, उसके बारे में हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। हमारी इंटेलिजेंस यूनिट से भी टाई अप किया है हमने, और इस इंसिडेंट का जल्दी ही हमारी कोशिश रहेगी इसका खुलासा किया जाए। हुआ था किस तरह से? मेरा नाम गीतादत्त गौतम है और हम जो है घूमने के लिए आए थे। सुबह सुबह डेली आते हैं घूमने के लिए। मैं ये सुभाष और साथ में नरेश था, और जो ये अपना राजकुमार जिसका चोट लगी है वो साइकिल पे आता है तो वो आया था, क्योंकि घुटनों से उससे नहीं चला जाता। उसके बाद हमने इन्होंने दोनों ने कोड़ा किया वहाँ पे, और मैं कोड़ा करने के लिए जैसे झुका, इतने में ये आगे बोतल लेकर चल पड़ा सुभाष, और पीछे जो है राले और राजकुमार जिसको बोलते वो कहने लगा कि इस थैली में क्या है। मैं बोला पढ़ने दे कुछ भी हो। तो इतनी देर में एकदम ब्राम ऐसे बहुत ज़ोर की आवाज़ हुई धड़ाम की, और एकदम उसका यहाँ से गलूरे पर तक खून निकलता, हाथ पे खून निकलता और बनियान उसका पट गया। फिर उसने एकदम बस ये बोला हाय मर गया। फिर मैंने आवाज़ लगाई सुभाष तुरंत, और नरेश आए मौके पे, फिर इनसे फ़ोन करवाए और फटाफट उसको चौकी तक ले कर गए। रामेश्वर जो है चौकी पर ले कर गया उसको, वहाँ इनको सूचित किया पुलिस वालों को।